नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। ओम प्रकाश धनखड़ की पहल पर भारतीय तेल निगम पानीपत में लगाएगा इथेनॉल संयंत्र। जी हां, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की आगामी धान सीजन 2018 से पहले पहले पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता को उस समय सफलता मिली जब भारतीय तेल निगम के पानीपत स्थित अपनी रिफाइनरी में 900 करोड़ से अधिक का निवेश के साथ 100 किलो लीटर प्रति इथेनॉल उत्पादन का संयंत्र लगाने के लिए उनकी उपस्थिति में एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुए। सोमवार को चंडीगढ़ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ओपी धनखड़ की उपस्थिति में। समझौता ज्ञापन हरियाणा सरकार की ओर से कृषि एवं कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर डी के बेहरा ने तथा भारतीय तेल निगम की ओर से मुख्य महाप्रबंधक संजीव कुमार श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री इस पहल के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने इनके अनुरोध पर स्वीकार कर अमली जामा पहनाया। उन्होंने भारतीय तेल निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराया कि हरियाणा में 10 सहकारी चीनी मिलों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी मिले हैं। इन सब से संयंत्र को ठोस कचरा ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं नवंबर में धान की पराली का सीजन आने वाला है और इसके बाद में गन्ने का सीजन आना है। इससे इस परियोजना के स्थल की 50 किलोमीटर की परिधि में किसानों को या किसानों के समूह को संयंत्र में कच्चे ईंधन के रूप में पराली उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित करेगा और इसके लिए संयुक्त समन्वय टीम भी गठित की जाएगी। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से पल पल की खास रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय का एक अनुबंध हुआ है। हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत में 100 किलो लीटर पर डे का एक प्लांट जो है इथेनॉल बनाने का लगा रहा है, जिसमें वो 2,00,000 मीट्रिक टन हमारी जो पराली है वो इस्तेमाल करेगा और किसानों को उसके अच्छे भाव देगा। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है दोनों तरह से, जहाँ किसानों को पराली के अच्छे दाम मिलेंगे और हमारी पराली जो है एक बड़े इलाके की उसमें कंज्यूम होगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, और वहीं जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ हमको बाहर से आयात करने पड़ते हैं तो उसमें कोई इथेनॉल मिलेगा उसमें, और उसके कारण से पेट्रोलियम पदार्थों पर होने वाले खर्च होने वाली पूंजी भी जो है वो कम होगी। और ये पानीपत में प्लांट लग रहा है, हरियाणा के किसानों की पराली का इस्तेमाल होगा, तो ये हरियाणा के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं हरियाणा के समस्त किसानों को और हरियाणा वासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। 950 करोड़ रुपया जो है हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसके लिए व्यय करने वाली है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट ये हरियाणा में प्रारंभ हो रहा है जिसका अनुबंध आज हमने यहाँ किया है।